नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और सब। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप गुरुवार के दिन करें, इसको आप पूनम के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु की वजह से यदि कोई तकलीफ आपकी लाइफ में आ रही है तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। गुरु ग्रह यदि आपके मजबूत है, आपकी कुंडली में एकमात्र गुरु ही यदि मजबूत है, तो तमाम ग्रहों में जो तकलीफ है, ग्रहों से जो नेगेटिव इफेक्ट पैदा होती है, उसको दबा देते हैं। आप देखना, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान है, उसके साथ अगर एक बार कुछ गलत हो रहा है, उसे पता है ये व्यक्ति ऐसा है, उसको पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। दो कम बुद्धि के इंसान कभी भी पटका पटकी करने लग जाएंगे, एक दूसरे को गालियां देने लग जाएंगे। अगर एक व्यक्ति इस टाइप का है भी और दूसरा व्यक्ति गुरु प्रधान है, तो सहन कर जाता है कि चलो जाने दो, ये इसकी औकात इतनी ही है। वो इस चीज को समझता है, किसी भी कंडीशन को। आप देखना, कई परिवारों में आप देखो, छोटी छोटी सी बात लेकर के लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर रहे हैं। कई परिवारों में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं, लेकिन जो लोग हैं वो शांत हैं, क्योंकि उनके गुरु मजबूत हैं, उनके अंदर सोच है, समझ है, समझ की गहराई है। कई लोग अचानक किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और अचानक उल्टे रास्ते भी चल देंगे। नहीं नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और दूसरे दिन नहीं नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मतलब वो व्यक्ति खराब हो गया। तो जो छोटी छोटी सी सोच है, इससे मुक्ति मिलती है। गुरु आपके मजबूत हैं तो आप किसी भी कंडीशन को आसानी से झेल सकते हैं। गुरु आपके घर में धन कंटिन्यू लाता रहता है। गुरु से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी लाइफ में संपूर्णतः स्वस्थ दिमाग का इंसान रहता है, जो सही निर्णय लेता रहता है। और इस उपाय को यदि आप करेंगे, आप देखेंगे आपके काम जो आप चाहेंगे वो होगा। गुरु हल्दी से जुड़ा हुआ है। गुरुवार के दिन आप पिसी हुई हल्दी लेकर के जाएं या हल्दी की 3 गांठें लेकर के जाएं। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ पर 3 बाती का घी का दिया जला देना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः। इन 3 मंत्रों को बोलना है, 3 ही अगरबत्ती लगा देनी है, घी का दिया लगाना है, हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आपको 3 परिक्रमा लेनी है। मैं आपको बता दूं, पीपल के पेड़ की 3 ही परिक्रमा लगती है। 3 परिक्रमा लगानी है, हर परिक्रमा पर एक एक बार इस मंत्र को बोलना है। पहली परिक्रमा पर ओम नमो नारायणाय, दूसरी परिक्रमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरी परिक्रमा पर ओम श्री विष्णवे नमः। इसके बाद में आपको जो हल्दी की गांठें आप लेकर के गए हैं, पीले धागे में बांध करके पीपल के पेड़ पर बांध देनी है, टांग देनी है। और हल्दी से ही, इसी हुई हल्दी से आपको अपनी इच्छा लिख देनी है। जो कार्य आपका नहीं हो रहा है, 3 बार आप अपनी इच्छा लिखें, और जो मंत्र मैं बता रही हूँ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे, इस मंत्र को लिख दें और 3 लिख दें। गुरुवार के दिन आप इस क्रिया को करें। इस क्रिया को करने के लिए जब आप घर से जाते हैं, पीले कलर के कपड़े पहने। अगर आप किसी हल्दी लेकर के नहीं गए हैं, तो जो आप हल्दी की गांठे लेकर के गए हैं, उसी को थोड़ा गीला कर ले और उससे लिख दें, और उन्हीं को आप बांध करके टांग दें। आप देखेंगे कोई भी आपकी इच्छा है, बहुत जल्दी रंग लाएगी, बहुत जल्दी आपका काम होगा और होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। करके देख ले, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। अवश्य मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। जय श्री कृष्ण।